देवास शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की रफ्तार थम नहीं रही है। इधर प्रशासन ने कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन किया है, जिसको लेकर प्रशासन ने चेतावनी भी दी थी कि बिना कारण के घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके विपरीत शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जैसा नजारा कहीं देखने को नहीं मिला। प्रशासन बाजार की दुकानें बंद कर उन पर चालानी कार्रवाई करने में दिलचस्पी रखते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि रविवार होने के चलते दुकानें बंद हैं और लोग रविवार की छुट्टी का आराम से घूमकर आनंद ले रहे हैं। चौराहों पर पुलिस जरूर तैनात थी, लेकिन आने जाने वालों को बिना किसी रोक टोक के निकलने दिया जा रहा था। नगर निगम की टीम ने जरूर जो दुकानें बाजार में खुली थी उन पर चालान बनाए और सील कर चाबी ले ली। लेकिन इधर देखने में आया कि नगर निगम की टीम कचरा वाहन के चालक जो बिना मास्क के घूम रहे थे उन पर लोगों को चालानी कार्रवाई तो नहीं की, सिर्फ मास्क देखकर समझाइश दी। जबकि इसके विपरीत जो लोग बिना मास्क के निकल रहे थे उनके चालान बनाए। इस दौरान नगर निगम की टीम ने भी बिना वजह घूमने वालों को वापस घर नहीं भिजवाया। इधर एक पूर्व पार्षद नगर निगम की टीम को देखकर बिना मास्क लगाए मुंह छुपाते हुए निकलता नजर आया। नगर निगम की टीम ने महोदय को रोकने का भी प्रयास नहीं किया, जबकि आम लोगों को रोककर रसीद काट रहे थे। अभी सिविल लाइन में हमने 3 दुकानों को सील किया है। वहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, प्रोटोकॉल के विरुद्ध उन्होंने दुकान को खोली थी, जिसकी दुकान को हमने सील कर दिया है। माननीय जिलाधीश महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय का निर्देशों का निरंतर पालन किया जा रहा है। हम पूरे शहर में घूमे, शहर में अधिकांश दुकानें बंद है, प्रोटोकॉल के नियमों का कई लोग पालन कर रहे हैं, और जिनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा उनके ऊपर हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।